धूम 4 में निगेटिव रोल के लिए शाहरुख खान को क्यों कास्ट किया जा रहा है? धूम 4 के लिए अभिषेक बच्चन ने क्या कहा? और धूम 4 1000 करोड़ी फिल्म क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पिछले 2 सालों से चर्चा है कि शाहरुख खान यशराज फिल्म्स की धूम 4 में निगेटिव रोल में नजर आ सकते हैं। हालांकि अपने 52वें जन्मदिन पर मीडिया से बात करते हुए शाहरुख खान ने बताया था कि उन्हें ये फिल्म ऑफर नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने आदित्य चोपड़ा को कहा है कि उनके पास अभी समय नहीं है। शाहरुख खान उस समय आनंद एल रॉय की जीरो की शूटिंग कर रहे थे। शाहरुख खान की लास्ट 2 फिल्में जीरो और जब हैरी मेट सेजल के फ्लॉप होने के बाद उनके धूम 4 में होने की खबरें फिर से आ रही हैं। आपको बता दें कि शाहरुख खान ने राकेश की बायोपिक सारे जहां से अच्छा भी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट तक नहीं की है। तो इसी वजह से बॉलीवुड में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा हाइप बनी हुई है कि शाहरुख खान अब किस प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं। पुत्र के हवाले से लिखा है कि यशराज फिल्म्स ने शाहरुख खान को धूम 4 ऑफर की है। वहीं खबरें हैं कि इस फिल्म को कोई नया डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाला है। 2017 में जब शाहरुख खान से पूछा गया था कि क्या उन्हें धूम 4 ऑफर हुई है, तो उन्होंने कहा था, यशराज को मुझे कोई फिल्म ऑफर करने की जरूरत नहीं होती, आदि बस मुझे कॉल करते हैं और मैं फिल्म कर लेता हूँ। लेकिन मैंने उन्हें, करण जौहर और दूसरे डायरेक्टर्स को कह दिया है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ। वहीं सितंबर 2019 में अभिषेक बच्चन ने कहा था, जब भी धूम बनने वाली होती है उसे लेकर कई कहानियां आने लगती हैं। हालांकि जब तक आदित्य चोपड़ा खुद कन्फर्म नहीं करते, तब तक मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। वहीं आगे अभिषेक बच्चन कहते हैं कि धूम के तीनों पार्ट में उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि हम तैयार हैं और फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता भी तो वो मुझे ज़रूर कॉल करके बताते। वेल दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या शाहरुख खान धूम 4 में एक विलन के किरदार में नज़र आएं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।